कुमा कुरेशी के हुनर का असली दमखम। दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है। और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। हुमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहा कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहा उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने
एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसे चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति के दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को
हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह की सरकार चलानी है। घर में तीन बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। हुमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की केंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर नाम भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब
साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे। उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है। यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद ओटीटी ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखे तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब
घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब परी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अभी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलते जुलते असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतु का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम।
दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभश कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभश कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है, मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर नाम भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं, वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके है, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के
औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को
बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। हुमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहा कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहा उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यहाँ कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसे चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति के दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते
देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे। उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है। यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद ओटीटी ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह की सरकार चलानी है। घर में तीन बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है।
उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है, और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की केंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी किसी ने बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखे तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम।
दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है, मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अभी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है, अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है, पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं, वो अपने किरदार से मिलते जुलते असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतु का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन की
औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहां देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभश कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभश कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर नाम भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को
बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। हुमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है। और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब
साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे। उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है। यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद ओटीटी ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में तीन बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहा कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहा उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का
तब का अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है, और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संयोग पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह की सरकार चलानी है। घर में तीन बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलते जुलते असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम।
दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है, मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की केंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी किसी ने बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं, वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के
औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यहाँ कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखे तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अभी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को
बेकार नहीं जाने दिया, पहले सीजन से कहीं बेहतर बने। इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। हुमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलते जुलते असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतु का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यहाँ कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहां देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभश कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभश कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धंस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे हैं। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर नाम भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते
देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गाँवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे। उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है। यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद ओटीटी ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है।
उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति के दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी किसी ने बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं, वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहा कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहा उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है, लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम,
दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है, मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वागे जागे उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के
औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की केंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर नाम भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को
बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। हुमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यहाँ कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखे तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। हुमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति के दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अभी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते
देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे। उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है। यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद ओटीटी ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में तीन बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलते जुलते असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतु का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं। वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी। जाने कहां देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक सुभाष कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब सुभाष कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है।
उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धंस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी किसी ने बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके वाग्य जागे, उसके अपनी भारती ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहां कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहां उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके है, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूंकि यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछली बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है। उमा कुरैशी के हुनर का असली दमखम,
दूसरे सीजन में रंग में दिखी महारानी, जाने कहा देखे इसे फ्री में। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मुगल से आगे बढ़ चुके और फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर बन रही सुर्खियों से फिर चर्चा में लौटे निर्देशक शुभज कपूर की डिजिटल दुनिया की पहली कोशिश महारानी का दूसरा सीजन सोनी लिप पर देखना एक सुखद एहसास है। और वो इसलिए कि जब शुभज कपूर जैसा चिंतनशील स्त्री जब किसी कहानी को कहने निकलते हैं तो जमाना उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। वो कहानी को दर्शक के नजरिए से देखने वाले गिनती के निर्देशकों में शुमार रहे हैं। ऐसे में जब उनकी डिजिटल बोहनी महारानी के पहले सीजन में तमाशा कुछ बिखरा बिखरा लगा तो निराशा हुई थी। सुभाष कपूर ने इस बार अपनी गलतियों को समझा है, खुद को पिछले सीजन से बेहतर किया है और अपने लेखकों की टीम से भी बेहतर काम कराया है। वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन इसी के चलते एक अच्छा प्रयास बन सका है। और हालांकि सीरीज के एपिसोड काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसे देखकर देश की सियासत के ऐसे तमाम पहलू आज की पीढ़ी समझ सकती है जिससे ये अनजान ही रहे होंगे। बीते 2-3 दशक में भारत तेजी से बदला है। मंदिर मुद्दे से होते हुए और मंडल की मार झेलते हुए युवाओं का तबका अब घर परिवार वाला हो चुका है। उनके बच्चों को अब पड़ी भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है, कितनी पढ़ाई PCS IAS के लिए करनी होती है। और राजनीति की दलदल में समाज कहां तक धस चुका है। इस नई पीढ़ी के लिए भारत एक तेजी से उभरता देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में महारानी जैसा वेब सीरीज लोगों को आसपास की गंदगी में लाकर एकदम से पटकती है और ये बताती है कि देखो कि क्या वाकई दाग अब भी अच्छे है। कहानियां राजनीति पर और भी कही जाती रहेंगी, लेकिन महारानी के दूसरे सीजन ने जिस तरह अपने पिछले सीजन की किंचुल उतार कर नई स्फूर्ति की गति पकड़ी है वो दर्शनीय है। रानी भारती को अब तक सब जान ही चुके हैं, भीम भारती को भी सब पहचानते हैं। कहानी के सिरे बिहार के जिस राजनीतिक परिवार से जाकर जानबूझकर या अनजाने में जुड़ते हैं उसके संगियों पर ना भी जाए तो ये तो सच है कि यही परिवार अब फिर से बिहार में सत्ता का साझेदार है। सत्ता अब साझेदारियों से ही चलती है। अकेले अपने बूते देश का नेतृत्व कर सकने वाला नेहरू से लेकर इंदिरा और वाजपेयी तक सब समय के लूप में लोप हो चुके हैं। यह मामला रानी भारती का है। पहले अपने गांवीपन की वजह से ताने सुनती है और पति के जेल जाने पर उसके भाग्य जागे, उसके अपनी भारतीय ताकत का भान हुआ तो लोगों को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि जागी हुई महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। यही वेब सीरीज महारानी का तत्व ज्ञान भी है। तमाशा इस बार वहां से खुलता है जहां रानी भारती खुद अपनों के निशाने पर है और चौसर में दांव पर लगा है देश का एक पूरा राज्य। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन ने उस श्राप से भी मुक्ति पाई है जो अक्सर वेब सीरीज के दूसरे सीजन के कंधे आ बैठता है। जिस कामयाब सीरीज का दूसरा सीजन बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है, यह पसंगा सुभाष कपूर के पलरे में इसलिए है क्योंकि सीरीज का पहला सीजन कमजोर निकलने के बावजूद OTT ने इसके दूसरे सीजन को हरी झंडी दी और सुभाष कपूर ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। पहले सीजन से कहीं बेहतर बने इसके दूसरे सीजन में पहले सीजन से ही रानी भारती निशाने पर है। सुबह से सरकार चलाती है और सुबह की सरकार चलानी है। घर में 3 बच्चे हैं और जेल से हर पल उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उमा कुरैशी के अभिनय की असली तासीर देखनी है तो वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन जरूर देखिए। पहले सीजन में शायद उन्हें भी ज्यादा कुछ किरदार के बारे में समझ आया नहीं। वो अपने किरदार से मिलता जुलता असल जिंदगी के किरदार को पर्दे पर दिखाने की ही कोशिश तब करती रही थी, लेकिन इस बार उनको मैदान समझ आ चुका है। ये भी समझ आ चुका है कि कहा कोई लंगड़ी मारने को तैयार बैठा है और कहा उनका गला दबोच कर बीच की लाइन तक पहुंचने से पहले उनकी सांस तोड़ देने की तैयारी है। लेकिन इस बार हुतुतू का ये खेल पलट हो चुका है। अमित सियाल के लिए तो खैर इस तरह के किरदार अब बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं, वो इस गेटअप में जमते भी है। हाँ, सोहम शाह के किरदार को लेकर जो झटका सीरीज बनाने वालों ने एकाएक दिया है वो थोड़ा खटक जाता है। वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन के
औसतन 50 मिनट के 10 एपिसोड देखने के लिए आपको अपने जीवन के 8 घंटे लगाने हैं। बीच मार्च के लिए सीरीज का भौगोलिक विस्तार थोड़ा कमजोर है और निर्देशक रविंद्र गौतम की इकलौती चूक यह कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण ना रच पाना है। कहानी के सारे किरदारों को अगर जूम आउट करके देखें तो इनके आसपास की दुनिया काफी खाली सी लगती है। संपादन थोड़ा चुस्त करके हर एपिसोड 40 मिनट के करीब हो सकता है। इस क्रम में सीरीज के पिछले बार से बेहतर संगीत रचने के लिए मंगेश धाकड़े की तारीफ बनती है। अनूप सिंह के कैमरे ने भी माहौल को अच्छे से पकड़ा है। सियासी कहानियों के षड्यंत्र पसंद करने वालों के लिए ये वेब सीरीज महारानी इस हफ्ते का अच्छा मनोरंजन है। अब बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिप पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप ये सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिप पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन है।